जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग कक्षा सातवीं की गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 2.3 को कर रहे हैं और हमने प्रश्न संख्या 2 तक अपनी पिछली क्लासेस में अच्छी प्रकार से किया था। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। हमें गुणा करना है तो यहाँ से करते हैं 2/5 गुने 5 सही 1/4। देखिए पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2/5, ठीक है। हमें गुना करना है 5 सही 1/4 से। यह एक मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न को हम लोग पहले सरल भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए 5 को 4 से गुना कीजिए, है ना। 4 5 20 और 1 जोड़ना है उसमें, तो 20 और 1 21, बट्टा में 4 है तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि क्या नीचे ऊपर से कोई संख्या कट रही है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखो कि 2 और 5 नहीं कटेगा, लेकिन 2 का फॉर्म 4 आता है या कट जाएगा। 2 2 4 यहाँ कट गया 2 बार में। अब देखिए ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 1 बार में 21 एकम 21 बचा और 5 2 10 बचा, यानी 21/10 इसका उत्तर आएगा। लेकिन ये हमारा उत्तर मिश्रित भिन्न में दे रखा है, तो मिश्रित भिन्न में आपको इसे लिखना है। मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे आपको बिना भागा दिए चीज़ बता दूंगा, ये चीज़ आपको बिना, देखिए मिश्रित भिन्न में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप लोग बिना भागा दिए यहीं से निकाल लोगे। आपको देखना है कि 10 का पहाड़ा में 21 आता है, क्योंकि ऊपर में 21 है, तो क्या 10 का पहाड़ा में 21 आता है, नहीं आता है। 10 का 10 10 दूनी 20 10 दिया 30 आता है, 30 तो 21 से बड़ा आता है, यानी 20 आएगा उससे कम। तो 10 का पहाड़ा में 20 कितनी बारी में आता है, 2 बारी में, तो 2 यहाँ लिख दो जितनी बारी में आता है। अब देखो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 21 में से 20 घटाओ, 21 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा शेषफल, 1 आएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे। नीचे में 10 था तो 10 लिख देंगे। फिर से समझ लीजिए कैसे किया हमने, 10 का पहाड़ा में 21 नहीं आता, उससे कम आता है 20 दो बार में, तो लिखें 21 में से 20 कटाओगे तो 1 बच्चे के बट्टे में 10 था तो बट्टे में 10 लिख दिए। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि 6 सही 2/5 गुने 7/9। तो पहले इसे हल कर लेते हैं, 6 5 30 और 2 32/5 है, तो 5 गुने 7/9। फिर से चेक करते हैं कि क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ से देखते हैं 32 और 9 यहाँ से तो कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे। 7 का 7 2 14 हो गया, 14 के 4 हाथ में, 1 7 21 और 1 22 224 बट्टे 5 45, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसे लिखना है मिश्रित भिन्न, लिखते हैं यहाँ पे 45 का पहाड़ा में 224 से कम लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 का पहाड़ा। देखिए 45 का 45 45 दूनी 90 45 दिया है, या 135 45 180 और 45 बचे 225, है ना, 225 हो गया। अब देखिए 224 है लेकिन ये 45 5 225, यानी इसे नहीं लेंगे 180 को लेंगे। कितने बार में आ रहा है, 4 बार में, यानी हमारा जो भागफल है वो आएगा 4, तो 4 लिख देंगे यहाँ। अब आपको 224 में से 180 को घटाना है, कितना बचेगा, देखिए 4 और यहाँ पे 4 44 बचेगा, तो 44 यानी शेषफल बचे 44 लिख दिया। नीचे में 45 था तो 45 लिख दिया, यानी 4 सही 44/45 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा, 3/2 × 5 सही 1/3। बच्चा आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार समझाना पड़े तो 10 बार भी समझा दूंगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको समझाते रहूँगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, है ना। तो 3/2 है, यहाँ से 3/2 लिख देंगे, गुना है तो गुना, 5 दिया 15 और 1 16 16/3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, नीचे ऊपर 3 है तो कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में सिर्फ 8 आया है, तो इसका उत्तर सीधा 8 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, 5/6 × 2 सही 3/7, तो यहाँ लिख लेंगे 5/6 × 7 2 14 और 15 16 17 17 हो गया, 17/7। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं कटेगा, 17 50 85 हो गया, 6 7 42 यानी 42/85 आ गया। तो आप लोग यहाँ से करोगे मिश्रित भिन्न में से, तो इसे हल करोगे, 42 का पहाड़ा में 85 से कम, यहाँ से कर लेते हैं 42
बयालीस दूनी दो दूनी चार और चौदह दूनी आठ, 84 आता है ना दो बार में। तो यहाँ दो लिखेंगे, 85 में से 84 घटाओगे तो एक बचेगा और नीचे में 42 है तो 42। सिंपल है, इसे आप लोग भागा मत देना कि ये भागा दो कि शेषफल कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, सीधा देख लो 42 का पहाड़ा में जो 85 से कम कितना आ रहा है, तो 84 आ रहा है दो बार में। तो 85 में से 84 घटाएंगे तो एक बचेगा शेषफल और नीचे में 42 है तो 42 लिख देंगे सिंपली। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि 3 सही 2/5 गुने 4/7, तो इसे हल करते हैं। 5 × 3 = 15 × 2 = 17/5 गुने 4/7, चेक करते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, 17 × 6 = 68 हो जाएगा और नीचे 5 × 7 = 35। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि 35 का पहाड़ा में 68 आता है, 68 में आता है 35 से कम, 35 × 35 = 70 हो जाता है, तो हम लोग एक बार में ले दे देंगे इसे एक बार में। अब आपको 68 में से 35 को घटाना है ना, 68 में से आप लोग 35 को घटाओगे तो आपका आएगा 33, कितना आएगा 33 आएगा और नीचे में 35 है तो 35 लिख देंगे, यानी एक सही 33/35 इसका सिंपल उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि 2 सही 3/5 × 3, इसे कर लेते हैं, 5 × 2 = 10 और 3 = 13/5 × 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से चेक कीजिए क्या कुछ कट रहा है, कटेगा ही नहीं, तो 13 × 3 = 39/5 हल देखते हैं कि 5 का पहाड़ा में 39 आता है, 39 नहीं आता, उससे कम 35 आता है 7 बार में, तो 7 लिखेंगे, 39 में से 35 कर रहा, 35 = 36 = 38 = 39, 4 बचेगा, नीचे में 5 है तो 5 लिख देंगे, यानी 7 सही 4/5 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है कि 3 सही 4/7 × 3/5 हल करते हैं, 7 × 21 = 22 / 23 = 25 25/7 × 3/5 देखिए 25 और 5 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 5 × 3 = 15/7 सात का पहाड़ा में 15 आता है नहीं, उससे कम 14 आता है एक दो बार में, तो 2 15 में से 14 घटाओगे तो 1/7 यानी 2 सही 1/7 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 में अगले वीडियो में। थैंक यू।